यमुनानगर के रादौर में विजिलेंस की टीम ने बिजली निगम कार्यालय में दबिश देकर लाइनमैन सुरेश कुमार को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लाइनमैन पर आरोप है कि वो गांव बकाना निवासी जयप्रकाश को बिजली चोरी के मामले में फंसाने की धमकी देकर 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसमें से 5,000 रुपए पहले ही वो ले चुका था। विजिलेंस के इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि गांव बकाना निवासी जयप्रकाश ने उन्हें शिकायत दी थी कि घर के मीटर का बिजली बिल न भरने पर निगम की ओर से उसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके बाद वो सोलर लाइट लगाकर अपने घर की बिजली चला रहा था। इस पर निगम के लाइनमैन सुरेश कुमार, जिसके पास जेई का चार्ज भी है, वो बार बार उसे बिजली चोरी का आरोप लगाकर धमका रहा था। उसने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 15,000 रुपए की डिमांड भी की थी। इसके बाद जयप्रकाश ने सुरेश कुमार की धमकियों से परेशान होकर विजिलेंस को उसकी शिकायत दे दी, जिसके बाद टीम ने दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया था जयप्रकाश वासी मकाना का। उसने बताया कि 2020 में उसके घर का कनेक्शन कट चुका था और उसने अपने बिजली के इंतजाम के लिए घर पे सोलर लाइट का इंतजाम किया हुआ। उन्होंने आगे कहा कि भी आप बिजली चोरी करते हैं और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, जबकि मैंने कोई बिजली चोरी नहीं की, ना ही मैंने कोई तार लगा रखी, ना ही उनके पास कोई फोटोग्राफ्स हैं। फिर भी उन्होंने नेक्स्ट डे टेलीफोन किया मेरे पास, भाई आप आगे बात करो अदरवाइज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे। तो उन जेई के पास जाके उसके गाँव में मिला, जेई ने कहा भाई आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो उसने डर के मारे, बेचारा अनपढ़ आदमी है और गरीब आदमी है, 5,000 रुपये तो उसी टाइम उसने उससे ले लिए जेई साहब सुरेश कुमार जेई जी ने। और कल फिर उस पर टेलीफोन किया भाई 10,000 रुपये बकाया पेमेंट है, वो दे के जाओ। तो काफ़ी गिड़गिड़ाया हो, रिकॉर्डिंग है जो मैंने सुनी है। उन्होंने कहा मैं 10,000 का इंतजाम नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 6,000 का इंतजाम हुआ है और वो मैं लेकर आ सकता हूँ अगर आप मैंने। तो उसने यस बोल दिया जेई ने, और सुरेश कुमार जेई के यस कहने पर शिकायतकर्ता हमारे को साथ लेकर के हमें रेडिंग पार्ट पहुँचा। मुदई ने जाके 6,000 रुपये जो हमने उस पाउडर लगा के दिए थे जेई को दे दिए, और जेई के जो मेज होती है उस दराज से 6,000 रुपये बरामद हो गए। तो अब हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं इसमें कोई किसी और किसी कर्मचारी अधिकारी का कोई नाम तो नहीं है या इस प्रकार के पहले कोई इसने। बहरहाल आरोपी सुरेश कुमार से उसके साथ शामिल अन्य कर्मचारियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा रिश्वत में दिए गए 5,000 रुपए भी उससे वसूल किए जाएंगे, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।